नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवांश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम उत्तराखंड के फोक सॉन्ग्स, उत्तराखंड के गीत संगीत कला व लोकगीत के बारे में आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड फोक सॉन्ग्स, उत्तराखंड संगीत कला और लोकगीत। तो सबसे पहला जो गीत है खुदेड़ गीत। खुदेड़ गीत कहाँ गाया जाता, कहाँ गाया जाता है, किन कार्यक्रमों में गाया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो यह एक जो ये खुदेड़ गीत है, ये विवाहित महिलाओं द्वारा मायके की याद में गाया जाता है। कब गाया जाता है? जब विवाहित महिलाएँ अपनी मायके की याद में ये गीत गाती हैं, खुदेड़ गीत। दूसरा गीत है होली गीत। तो ये गीत होली के दिन पर बसंत के मौसम में गाया जाता है, होली गीत। ठीक है, ये पहला, दूसरा, ठीक। अब तीसरे पे आएंगे हम, बारह मास गीत। ये बारह मास गीत है, ये इसमें बारह महीनों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। जो ये गीत है इसमें बारह, जो बारह महीने होते हमारे हिंदी के चैत्र वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, उन बारह महीनों का इन लक्षणों का वर्णन होता है। चौथा है आपका पटगीत। पटगीत का जो उपदेशात्मक गीता होती है, इसका मुख्य जो पटगीत होता है, उपदेश देता है उपदेश, इसे छुड़ा गीत भी कहते हैं। ठीक है, पटगीत को। पांचवा आपका बसंत गीत। एक गढ़वाल क्षेत्र में बसंत के आगमन पर बसंती गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जब बसंत का मौसम आता है उस टाइम पे ये गीत गाया जाता है। गीतों की अपनी ही प्रथा होती है, हर गीत हर एक अलग अलग त्योहारों को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है बाजूबंद गीत, छठा जो है बाजूबंद गीत, जो छठा है यह है बाजूबंद गीत। यह है खाई जौनपुर, जो जौनपुर का क्षेत्र है उसमें गाया जाने वाला ये एक प्रेम गीत है। ये जो जौनपुर का क्षेत्र है उसमें गाया जाने वाला प्रेम गीत है। इसे जंगल में बाज, ब्रांस, काफल, चील और देवदार के पेड़ों के नीचे बैठ कर गाए जाते हैं ये। ठीक है, बाजूबंद नृत्य गीत। सातवा आपका झुमेलो गीत। झुमेलो गाया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में पाए जाने वाले झुमेलो गीत, वेदना और प्रेम का प्रतीक है। ये क्या है? वेदना और प्रेम का प्रतीक, झुमेलो गीत है वेदना प्रेम का प्रतीक। इन गीतों में नारी हृदय की वेदना के साथ उसके रूप का सौंदर्य का वर्णन मिलता है इस गीत में, झुमेलो गीत में। चोफला गीत, ये चोफला गीत क्या है? एक प्रकार का प्रेम गीत है ये, चोफला है प्रेम गीत, और झुमेलो क्या है? वेदना और प्रेम के प्रतीक वाला गीत है। चोफला है प्रेम गीत, इस जिसमें स्त्री सौंदर्य का वर्णन के साथ चारों प्रकार के कामनाएं होती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उत्साह, ये सारे कामनाएं इसमें समाहित है चोफला में। यह है आठवा है कुलाचार या विरुदावली गीत। ये गीत कब गाया जाता है? ये राज्य में औजी जाति के लोग द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, यजमान के ब्याही हुई कन्याओं के घर जाकर घर जाते हैं। कुलाचार और विरुदावली गीत क्या होते हैं? जो औजी होते हैं, ढोल वगैरह बजाते हैं, वो जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और यजमान उनके होते हैं, जो उनके क्षत्रिय लोग होते हैं, उनके जो घर में जिनकी लड़कियों की शादी हो जाती है, उनके जो ससुराल है उनके जाते हैं वो, और ये वहाँ घर घर जाके ये गीत गाते हैं। इन गीतों में औजी लोग अपने यजमान और उनकी जाति वंश का गुणगान करते हैं। जातियों, जो जो जातियाँ उस टाइम पे
उनकी चलती है, उनका ये गुणगान करते हैं गीतों के माध्यम से, कुलाचार या मृदावली गीत में। ठीक है, अब चलेंगे हम चौमासा गीत में। चौमासा गीत क्या है इसके बारे में बताएंगे आपको। चलिए चौमासा गीत, चौमासा गीत है ये, कब गाया जाता है ये गीत? वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं चौमासा गीत, वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। ठीक है, जागर गीत, जागर गीत कब गाए जाते हैं? जागर कथाएं या गीत, जब ये लोक कथाएं जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है, जागर कहलाते हैं। ठीक है, किसी धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, पूजा आदि के समय देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाया जाता है ये जागर गीत। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट झोड़ा गीत। तो ये कुमाऊं क्षेत्र में माघ के महीने में गाया जाता है, यह प्रमुख समूह नृत्य गीत है। ठीक है, कौन सा? झोड़ा गीत। अब आएंगे आगे, कुडली बोली गीत। कुडली बोली गीत क्या है? कुमाऊं क्षेत्र के एक जो कृषि संबंधी गीत है ये, जो किसान लोग इसको गाते हैं। कुडली बोली का अर्थ है हुड़गे के साथ किया जाने वाला शर्म मतलब काम। प्रमुख गायक विशेष रूप से विशेष वेशभूषा के साथ वाद्य यंत्र पर थाप देते हुए गीत को, गीत की एक पंक्ति गाता है, जिसे खेत में काम करने वाले लोगों का जो काम करते हैं वो उसको गीत को दोहराते हैं एक थाप के साथ। पहले वो बोलेगा जो विशेष वेशभूषा वाला व्यक्ति, फिर जो काम करते हैं उस गीत को गाते हैं, इसमें कुडली बोली गीत है। अब आते हैं ऋतु गीत। ऋतु गीत क्या है? होली, बसंती, बसंती, चैती, चौमास, बारामास, कुदेड़, फूलदेही, झुमेलो, माघ गीत, श्रावण गीत, लाली आदि ऋतु गीत है। ये सब क्या है? ऋतु गीत। अलग अलग ऋतुओं में ये गीत गाए जाते हैं। छह ऋतु हैं, छह ऋतु के हिसाब से गीत बनाए गए हैं। तो ये हमारी संस्कृति में संस्कृति विरासत है जो इन गीतों के माध्यम से चल रही है। अब आएंगे नृत्य गीत। ये नृत्य गीत क्या है? मागदी, माघ गीत, तांदी, चाचर, चोफला, छोपाती, दड़िया, छोड़ा, बेर गीत, ये सब गीत हैं, नृत्य गीत है। ठीक है, अब आएंगे मंगल या संस्कार गीत। तो ये गीत कब गाए जाते हैं? जब कोई मंगल काम होते हैं, जैसे जन्म हो गया या छठी हो गया, नामकरण हो गया, चूड़ा का क्रम हो गया, जनेऊ का भी होता है कि जब बालक जनेऊ धारण करता है, विवाह हो गया, ये सब ये जितने भी हैं मंगल कार्यक्रम उनमें ही गाया जाता है मंगल गीत या संस्कार गीत। ठीक है, अब आएंगे धार्मिक गीत। धार्मिक गीत कब गाए जाते हैं? जब कोई कृष्ण या पांडव संबंधी पौराणिक कथाएं, स्थानीय देवी देवताओं संबंधी जागर, संध्या गीत, प्रभात गीत, तंत्र मंत्र गीत, जादू टोना गीत, यक्षगान, भूत भैरव गीत, रखवाली आदि हैं ये धार्मिक गीत जो भी है। ये सारे क्या हैं? धार्मिक गीत हैं जब हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है या धार्मिक गीत, ये धार्मिक गीतों को गाया जाता है, जागरण वगैरह चलाई जाती है, पुराने वो याद करते हैं इसके। अब आएंगे आगे चाचरी गीत में। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक नृत्य गीत है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं चाचरी गीत में। ठीक
ठीक है। अब है भंगोल गीत, ये कुमाऊं क्षेत्र के इस गीत में प्रेम प्रधानता रखी रहती है। जो ये गीत है इसमें प्रेम प्रधान भाव मिलेगा आपको देखने को। यह गीत स्त्री को अपने मन की कल्पना करते हुए उसके मधुर एहसास में प्रेम द्वारा मेलों में हुड़की एवं नगाड़े के धुन पर नृत्य करते के साथ गाए जाते हैं। ये भंगोल गीत, ठीक है। अब लास्ट लास्ट है न्योली गीत, यह भी भंगोल की तरह कुमाऊं क्षेत्र में अनुभूति प्रदान गीत है, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे आज के गीत, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।